Hello everyone, today in this lecture we discuss envelope and evolutes. इस लेक्चर में स्टूडेंट हम envelope and evolutes को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में evolutes को डिस्कस करना है. इसमें envelope के कुछ मेथड्स हैं उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि envelope होता क्या है. स्टूडेंट आपके पास कोई भी कर्व है, किसी भी शेप में है, उसको कौन कवर कर सकता है, उसको कौन पूरा बंद कर सकता है, उसे हम एनवेलप कह रहे हैं. यानी जैसे आप देखते हैं कोई कार्ड है और फिर उस कार्ड को हम किसी दूसरी चीज़ से पैक करते हैं जिसे हम एनवेलप कहते हैं. जैसे एक स्ट्रेट लाइन है उसको पैराबोला कवर कर जाता है. जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, तो सर्किल के चारों तरफ जब हम चार स्ट्रेट लाइन डालते हैं तो तब वो सर्किल उसके अंदर कवर हो जाता है, यानी उसे उसका एनवेलप कहा जाता है. तो एनवेलप क्या है स्टूडेंट, उसको समझते हैं. ये टॉपिक एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसी की वजह से मैंने थोड़ा सा जो कुछ जनरल बातें हैं वो मैंने लिख ली हैं और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ. कुछ मेथड्स, चार मेथड हैं वन वेरिएबल के ही, उसके बाद टू वेरिएबल का भी टॉपिक आना है और तब उसके बाद एवोल्यूट्स पर हम जाएंगे. तो एनवेलप को डिस्कस करते हैं. एनवेलप होता क्या है? एन एनवेलप An envelope of a family, an envelope of a family of the curve in the plane is a curve that is tangent to each members of a family. यानी किसी फैमिली में, किसी कर में हर उसके जितने मेंबर्स हैं उस पर जो टेंजेंट आएगी, टेंजेंट मतलब जो उसको कवर करेगा, उसी को हम कह रहे हैं एनवेलप. एट द सेम पॉइंट यानी जो भी कर्व आपके पास है हमें उसको चारों तरफ से हर पॉइंट को लेकर के कवर करना है, उसी को हम एनवेलप कह रहे हैं. जो ये एनवेलप है, इस एनवेलप को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स को डिस्कस करना पड़ेगा. सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे अगर हम देखें द एनवेलप ऑफ स्ट्रेट लाइन, the envelope of a straight line is parabola. यानी अगर ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन को कवर करने के लिए मुझे एक पैराबोला चाहिए. या तो वो पैराबोला ऐसे बना हो, या तो वो पैराबोला इस तरीके से कवर करेगा, और या तो वो पैराबोला इसको इस तरीके से कवर करेगा. यानी मैं इस स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से कवर कर सकता हूँ. उस लाइन के लिए मुझे एक पैराबोला चाहिए. सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सर्किल है, तो इस सर्किल को अगर मुझे कवर करना है तो उस सर्किल को कवर करने के लिए एक मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन चाहिए, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन चाहिए, सर्किल कवर हो जाएगा. यानी जब भी मुझे किसी सर्किल को कवर करना होगा तो मुझे चार स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन उसका एनवेलप आती है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को देखें तो
तो हम पैराबोला को ना देखते हुए ये भी कह सकते हैं कि एक सर्किल भी इस स्ट्रेट लाइन को पूरा कवर कर सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो एनवलप है वो एक सर्किल भी आ सकता है। तो इस तरीके से जो भी उसको कवर कर जाता है हम उसे एनवलप कह रहे हैं। स्टूडेंट कुछ मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि लेक्चर की लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो पाए, तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं वन पैरामीटर फैमिली ऑफ ए कर्व एंड टू पैरामीटर फैमिली ऑफ ए कर्व, यानी दो तरीके के कर्व आपको मिलेंगे। ऐसे कर्व जिस कर्व में केवल एक पैरामीटर आया हो। एक पैरामीटर का क्या मतलब है स्टूडेंट, उसको समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें एक्स और वाई दो कॉन्स्टेंट वेरिएबल हैं और एक इसके अंदर पैरामीटर आ गया अल्फा। मेरा कर्व कुछ इस तरीके का है, तो ये पैरामीटर है जो अल्फा की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि पैरामीटर क्या होता है। कांस्टेंट हमने समझा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल हमने समझा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फिर ये पैरामीटर क्या है, पैरामीटर हम कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट। डिस्टेंस हमेशा फिक्स होती है, लेकिन मान लीजिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है, तो जब आप चलते हैं तो वो कम और ज़्यादा होती रहती है। तो उसी के लिए, डिस्टेंस के लिए हम हमेशा ही पैरामीटर का यूज करते हैं। तो एक्स और वाई मेरे पास दो वेरिएबल हैं और अल्फा मेरे पास एक पैरामीटर है, तो यानी कि ये एक पैरामीटर की फैमिली है। टू पैरामीटर ऑफ फैमिली का क्या मतलब है स्टूडेंट, उसको भी समझते हैं। मेरे पास जो कर्व है, जो फंक्शन है, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल आ गए और अल्फा और बीटा, या फिर मैं इनकी जगह पे ए और बी भी यूज कर सकता हूँ, यानी दो पैरामीटर हैं। तो दो पैरामीटर क्या क्या आए हैं स्टूडेंट, दो पैरामीटर कुछ इस तरीके से आ गए हैं कि पहला पैरामीटर है अल्फा और दूसरा पैरामीटर है बीटा। तो दो तरीके की फैमिली ऑफ कर्व हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक वन पैरामीटर फैमिली, एक टू पैरामीटर फैमिली। सबसे पहले वन पैरामीटर फैमिली को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके भी डिफरेंस मेथड हैं, और फिर मैं टू पैरामीटर फैमिली पर जाऊंगा। टू पैरामीटर फैमिली को इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल वन पैरामीटर फैमिली के मेथड्स को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उसके कुछ क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टू पैरामीटर फैमिली के कर्व को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ वन पैरामीटर फैमिली की, तो वन पैरामीटर फैमिली के भी मेरे पास चार मेथड हैं, चार डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो पहले मेथड का नाम रखा है हमने कि द फैमिली ऑफ ए कर्व इन कार्टिजन इक्वेशन, यानी आपकी जो इक्वेशन है वो कार्टिजन में है। कार्टिजन मतलब वो एक्स वाई में आ गई है। अगर वो एक्स वाई में है और उसके अंदर एक पैरामीटर अल्फा है, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ वो पहले वाला कर्व, वो ये इस तरीके का कर्व हो सकता है। तो अगर ये पहले वाला कर्व इस तरीके का हो सकता है, तो मैं उसे कैसे सोल्व करूँगा अगर वो कार्टिजन फॉर्म में दिया गया है, कैसे सोल्व करूँगा। मेथड नंबर टू है स्टूडेंट कि अगर इक्वेशन में टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गए, टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा इज द पैरामीटर, टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, थीटा इज द पैरामीटर, यानी अगर इस तरीके से कोई टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन आए तो मुझे कैसे सोल्व करना है, उसको सोल्व करने का अलग तरीका होता है, उसका भी मेथड पढ़ेंगे। मेथड नंबर थ्री में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कर्व के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो भी पैरामीटर है, मान लीजिए उसके अंदर अल्फा पैरामीटर है या थीटा पैरामीटर है, जो भी पैरामीटर उसके अंदर है, अगर उसके अंदर आने वाला पैरामीटर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना जाता है, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, समझेंगे उसमें। मेथड नंबर फोर है कि जो फैमिली ऑफ कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, एक्स भी किसी वेरिएबल का फंक्शन हो, वाई भी किसी वेरिएबल का फंक्शन हो, और वो दोनों में एक ही पैरामीटर होने चाहिए, यानी एक्स और वाई दोनों ही किसी एक पैरामीटर के फंक्शन हो, इसे पैरामीट्रिक फॉर्म कहा जाता है। तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चार डिफरेंट मेथड है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर कार्टिजन फॉर्म आए तो हमें कैसे सोल्व करना है। तो स्टूडेंट अगर कार्टिजन फॉर्म है तो मेथड नंबर वन उसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिए, वर्किंग रूल मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, बड़ा लेक्चर होने वाला है। हम एक ही लेक्चर में सारे मेथड्स को इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट बिल्कुल हो जाए कि मुझे कैसी इक्वेशन में कैसा लगाना है। मैं एक ही जगह पे सारा डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख लिया है। तो वर्किंग रूल क्या है इसका, कंसीडर एफ ऑफ एक्स अल्फा एक्स वाई अल्फा में एक पैरामीट्रिक एक इक्वेशन आपको इस तरीके से दिया गया है। इक्वेशन ऑफ फैमिली, जो कर्व की फैमिली है वो गिवन है, वो कार्टिजन फॉर्म में है, यानी x है, y है और अल्फा यानी एक पैरामीटर है, यानी कि हम वन पैरामीटर फैमिली की बात कर रहे हैं
और वो कार्टिजन फॉर्म में है, इसीलिए मैंने उसे मेथड नंबर 1 डाला है। तो स्टूडेंट क्या करना है, दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी पैरामीटर दिया है उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखेंगे। स्टूडेंट अभी तक आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होता है तो मैं बताऊं आपको कि जब भी किसी इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं तो ऐसी इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। जब हम पार्शियल पे जाएंगे तो वहाँ और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल भी लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं। केवल इतना ही आप समझिए कि मुझे एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और एक्स और वाई भी वहाँ पर कोई ना कहीं ना कहीं वेरिएबल का ही काम करते हैं। तो चूंकि एक्स और वाई भी वेरिएबल हैं, अल्फा भी एक पैरामीटर है, उसमें भी चेंज आ रहा है, तो हमने अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इसीलिए हमने इस डिफरेंशिएशन को डेल से शो किया यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। फिर जो डेरिवेटिव आएगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, मेरे पास दो इक्वेशन हो जाएंगी, एक पहली इक्वेशन जो गिवन थी, एक दूसरी इक्वेशन जो मैं डिफरेंशिएशन करने के बाद लाया हूं। अब दो इक्वेशन बन गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2, उन दोनों में ही अल्फा है। पहली इक्वेशन में भी अल्फा गिवन है, दूसरी इक्वेशन में भी अल्फा है। अब मुझे अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आई उससे अल्फा की वैल्यू निकालनी है और पहली इक्वेशन में रख देनी है, या मैं पहली इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालूं और जो डिफरेंशिएशन करके मैं इक्वेशन लाया हूं उसमें उसको सब्स्टिट्यूट कर दूं। ऐसा हम कर सकते हैं, तो जो इक्वेशन आएगी वही रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ एनल कहलाती है। यानी हम दोनों इक्वेशन से अल्फा को रिमूव करना है। आप अपना भी कोई लॉजिक दे सकते हैं, या तो किसी एक से अल्फा की वैल्यू निकाल के दूसरी में रख सकते हैं, या स्टूडेंट एक और भी तरीका है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और अल्फा को रिमूव कर दीजिए। अल्फा जैसे ही रिमूव हो जाएगा इस कर्व का एनवेलप आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें जल्दी समझ में आएंगी बातें। तो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल ये है कि फाइंड द एनवेलप फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन of straight line y equals to mx plus a upon m where m is the parameter। a की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब a constant है। x और y cartesian form है क्योंकि equation x और y में दी गई है। तो जो equation of family है वो मुझे given है y equals to mx plus a is a constant upon m, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जो भी कर दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, यानी पैरामीटर इज m, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m, m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। चूंकि डेल एम अपॉन डेल वाई को 0 भी रखा जाता है तो y का डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा इधर, तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा, m का 1 हो गया x माइनस a अपॉन m स्क्वायर। यानी यहाँ से देखें तो x इक्वल्स टू a अपॉन m स्क्वायर, यानी m की जो वैल्यू है, m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो a अपॉन x हो गई है। और सिमिलरली अगर मैं m को देखूं तो m हो जाएगा a अपॉन x की पावर 1/2। अब स्टूडेंट बस हमें केवल इस वैल्यू को पुट करना है किसके अंदर, जो गिवन प्रॉब्लम दी जाती है। यानी हमारी जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, उसमें मुझे m की वैल्यू को रखना है। तो m की वैल्यू रखने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड में लगा सकता हूँ, m की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तो ये कहा है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक पैराबोला आता है, तो चेक करके देखते हैं पैराबोला आएगा क्या। तो उसको रखने के लिए स्टूडेंट मैंने क्या किया कि टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए अपॉन m। स्टूडेंट चूंकि मेरे पास m स्क्वायर की वैल्यू है तो मैं इसमें स्क्वायर बना सकता हूँ, तो स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया कि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया है।
दोनों तरफ का स्क्वायर करने से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और प्लस टू एम एक्स इंटू ए अपॉन एम। यानी हम देखें तो एक इक्वेशन आ गई है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और ये हो जाएगा एम कैंसिल हो गया है एक्स बचा रह जाएगा यानी प्लस के टू ए एक्स। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए एम स्क्वायर की वैल्यू ए अपॉन एक्स है, रख सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर की जगह पे ए अपॉन एक्स आएगा तो ए अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ये भी ए स्क्वायर अपॉन एम की वैल्यू ए अपॉन एक्स यानी एक्स ऊपर चला जाएगा और प्लस हो जाएगा टू ए एक्स। यानी इसको देखें तो ये हो रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा एक एक्स बचा तो ए एक्स ए से ए होगा तो प्लस ए एक्स और प्लस के टू ए एक्स। यानी इसको देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स। मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेट लाइन का जो एनवलप आता है वो एक पैराबोला आता है, तो ये पैराबोला मेरे पास आ गया जो उसको कवर कर जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम एनवलप निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड हमने डिस्कस किया कि जब इक्वेशन कार्टिजन फॉर्म में होती है और उसमें एक पैरामीटर होता है तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। मैं मेथड नंबर टू को डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट। मेथड नंबर टू में हमने क्या पढ़ा उसको समझते हैं एक बार। मेथड नंबर टू में क्या है, मेथड नंबर टू में उसने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर होता है तो हमें क्या करना है, तो उसका भी एक वर्किंग रूल है उसको भी समझ लेते हैं। इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर वन में क्या करना है, स्टेप नंबर वन एक फैमिली आपको गिवन है, फैमिली है साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पैरामीटर आपको गिवन था अल्फा, यहाँ पे एक पैरामीटर है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको इक्वेशन गिवन है। तो स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे स्टूडेंट हम, स्टेप नंबर टू डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू हो जाती है। जब इक्वेशन नंबर वन और टू हो जाएंगी तो क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड स्टूडेंट वो ध्यान देना पड़ेगा हमें, ऐड करने से भी बन सकता है और सब्ट्रैक्ट करने से भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे हैं। स्क्वायर करके ऐड करने से भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट करने से भी हो सकता है वन एंड टू। यानी मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इक्वेशन वन और टू को स्क्वायर और ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। कैसे पता चलेगा सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, अगर मान लीजिए मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन तो ऐड करने से काम चलेगा, और अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखूँ तो वो वन के बराबर होता है यानी माइनस करने से काम चलेगा। तो जो भी हमें फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूले को लगा करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये है, समझिए एक एग्जाम्पल से कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द एनवलप ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एनवलप ऑफ स्ट्रेट लाइन मुझे एक स्ट्रेट लाइन का एनवलप चाहिए और स्ट्रेट लाइन है x अपॉन a इंटू कॉस थीटा प्लस y अपॉन b इंटू साइन थीटा और इक्वल्स टू वन। मुझे इसका एनवलप चाहिए, थीटा इज पैरामीटर, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक्स अपॉन ए जे कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा उसने पैरामीटर यानी थीटा को पैरामीटर कहा है, वाई अपॉन बी इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू वन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन लेट कर लिया है। अब स्टूडेंट जो भी पैरामीटर दिया है उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स अपॉन ए एज इट इज, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाता है, वाई अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा और इक्वल्स टू में जीरो। यानी ये मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई कि एक्स अपॉन ए माइनस साइन थीटा प्लस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। अब हमने देखा कि अगर मैं इक्वेशन वन और टू दोनों को ऐड करूं तो दोनों से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, इसलिए मैंने क्या कहा था आपको कि या तो ऐड करने से बनेगा या तो सब्ट्रैक्ट करने से बनेगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देते हैं स्क्वायर करके। तो अगर मैं पहले वाली इक्वेशन को देखूं तो उसमें हो जाएगा एक्स अपॉन ए कॉस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स अपॉन ए साइन थीटा वाई अपॉन बी कॉस थीटा का भी स्क्वायर और इक्वल्स टू वन का स्क्वायर, यानी वन हो जाएगा और प्लस जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, यानी यहाँ से वन आएगा। इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, अगर हम इसके स्क्वायर को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी कॉस थीटा साइन थीटा। मैंने पहले वाले को स्क्वायर को ओपन कर दिया है, प्लस दूसरे वाले को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दोनों बराबर हैं, ये ट्वाइस ऑफ, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई का ट्वाइस होता है, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी इसके साथ भी देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है, तो ये बनेगा एक फॉर्मूला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दूसरे को देखें वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन चल रहा था, तो वन हो जाएगा। यानी ये वैल्यू वन होती है, ये भी वन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इस बार स्टूडेंट देखें तो एक स्ट्रेट लाइन का जो एनवेलप आया वो एक एलिप्स आया है, यानी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन अगर मेरी ये है तो इसको सर्किल भी कवर कर सकता है और इसको एलिप्स भी कवर कर सकता है। तो इस तरीके से इस बार एक एलिप्स आ रहा है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी स्ट्रेट लाइन को किसी एलिप्स ने कवर किया है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट देख सकते हैं, ये मेथड नंबर टू था। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट मेथड नंबर थ्री। मेथड नंबर थ्री क्या है उसको समझते हैं। मेथड नंबर थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के ऊपर आती हैं, तो इसका भी एक वर्किंग रूल है। मेथड नंबर थ्री में हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे जो फैमिली ऑफ कर्व है वो एक पैरामीट्रिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पैरामीटर में, तब हम इसको यूज करते हैं। यानी स्टेप नंबर वन में अगर देखें तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से होगी कि द गिवन कर्व एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल्स टू जीरो इन द फॉर्म
इन द फॉर्म ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे डिफरेंशिएशन भी करने की आवश्यकता नहीं है। ए बी सी कांस्टेंट है, ए बी सी आर कांस्टेंट। तो अगर मुझे इस तरीके से इक्वेशन गिवन है पैरामीटर में कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्टेप नंबर टू में क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर टू यूजिंग द डेफिनेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन भी स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करने के बाद ही आती है। उस इक्वेशन से हम जब अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और अल्फा की वैल्यू निकाल के मैं वापस उस इक्वेशन में रखता हूँ तो तब ये इक्वेशन अपने आप आ जाती है। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, हमें तभी ज़्यादा बातें समझ में आती हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द कर्व, फाइंड द एनवेलप Find the envelope of the curve x minus c का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। हमें एक इक्वेशन दी है वेयर c इज द पैरामीटर, c इज द पैरामीटर। यहाँ पे स्टूडेंट c एक पैरामीटर है। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। क्या सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है, अभी तो नहीं आ रही है लेकिन स्क्वायर वहाँ है तो शायद में भी क्वाड्रेटिक बने। एक्स माइनस सी का स्क्वायर, देखिए यहीं से सी का स्क्वायर है तो पता चल रहा है क्वाड्रेटिक बनेगी। वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू एक्स सी प्लस वाई का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यानी सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन c। यहाँ पे अगर आप देखें तो c का स्क्वायर है, फिर c है और फिर कांस्टेंट दिया है, यानी कैपिटल A अगर मैं देखूँ तो 1 है, b को अगर मैं देखूँ तो माइनस 2x है, और c अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तो हमने कहा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का यूज किया जा सकता है। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज द रिक्वायर्ड एनवेलप, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर इज टू एक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी इज वन एंड सी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यानी हम इसे कह सकते हैं कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस फोर वाई स्क्वायर और प्लस फोर आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आएगा फोर आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर। और इसका मतलब हुआ कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और यानी इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू प्लस माइनस r। यानी स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो मेरे पास एनवेलप आया वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि y इक्वल्स टू r एंड y इक्वल्स टू माइनस r आर टू लाइन्स, दो लाइन है मेरे पास जो उस कर्व की एनवेलप बनेगी, यानी कि वो दो लाइनों से कवर्ड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, चूँकि होना ही था कि वो सर्किल की इक्वेशन है और सर्किल हमेशा ही स्ट्रेट लाइन उसको कवर करती हैं, तो इसलिए उसने मुझे लाइन दी है कि ये लाइन बनेगी y इक्वल्स टू प्लस आर वाई इक्वल्स टू माइनस आर जो उसको पूरी तरीके से कवर कर जाएंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा करके भी एनवेलप को फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड है स्टूडेंट, मेथड नंबर फोर।
मेथड नंबर फोर क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। मेथड नंबर फोर ये है कि जब हमें पैरामीट्रिक कर्व दिया हो, यानी कि पैरामीट्रिक कर्व का क्या मतलब है, कंसीडर एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी है एंड वाई इक्वल्स टू भी फंक्शन ऑफ टी है, यानी एक्स और वाई दोनों ही टी के फंक्शन दिए हैं। अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि इक्वेशन ऐसी नहीं है, मुझे जो कर्व दिया है वो ऐसे दिया है कि एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, लेकिन ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन मुझे पता होनी चाहिए, यानी वो पैरामेट्रिक होती है। तो तब भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो यानी कर्व अगर मुझे इस तरीके से दिया है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डायरेक्ट फैमिली नहीं दी गई है जिसका मुझे एनवेलप पता करना है। तो स्टेप नंबर वन में फिर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर वन में कंसीडर द पॉइंट इनको हम x1 और y1 लेट करेंगे, जो भी आपको x y दिए गए हैं, लाई ऑन दी गिवन कर्व। यानी f of x y equals to 0 और इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो x1 equals to phi of alpha एंड y1 equals to फाई टू ऑफ अल्फा, यानी इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन गई है। तो जो भी इक्वेशन है उसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर टू में हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द फैमिली। क्योंकि स्टूडेंट जो टेंजेंट बनती हैं वही उसको कवर करती हैं, तो इसीलिए हम यहां से एक इक्वेशन निकालेंगे और वो इक्वेशन उसके टेंजेंट की इक्वेशन होगी। और टेंजेंट का इक्वेशन स्टूडेंट क्या होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, उसको मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 टेंजेंट का इक्वेशन यहां नहीं निकालना है, वो एवोल्यूट्स में होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो भी कर्व दिया है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, यानी जो भी गिवन कर्व है जैसे x माइनस एक्स वन प्लस इंटू एक्स माइनस एक्स टू इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि दोनों के होल स्क्वायर का सम करें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो मैंने इक्वेशन आपके सामने लिखी है ये पैरामीटर की इक्वेशन है कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो, पैरामीटर के पॉइंट दिए हो, तो हम इस तरीके से उसे लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं उसके बाद। हाँ स्टूडेंट, स्टेप नंबर टू में ये इक्वेशन बन जाएगी, तब हम जो इक्वेशन आएगी उसका एनवेलप निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर थ्री में क्या करना है आपको, फाइंड द एनवेलप। वो मेथड्स आपने ऊपर पढ़ लिए हैं, कोई भी मेथड लगा करके आप एनवेलप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है कि फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्किल of the circle
ऑफ द सर्किल ड्रॉ अपॉन द रेडियाई वेक्टर, रेडियाई वेक्टर ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन एज द डायमीटर। यानी स्टूडेंट एक इलिप्स दिया है और उस इलिप्स पे एक सर्किल को ड्रॉ किया गया है, सर्किल के रेडियाई वेक्टर के डायमीटर के पॉइंट दिए हैं। यानी सबसे पहले तो मुझे यही देखना पड़ेगा कि इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो अगर मुझे इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म को देखना है स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखिए, गिवन इलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट जो पैरामेट्रिक फॉर्म के पॉइंट होते हैं, एक्स होता है ए कॉस थीटा और वाई होता है बी साइन थीटा। यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, एक सर्किल इक्वेशन बन जाती है। जब मैं इनको रखूँगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब उसने स्टूडेंट मुझे ये कहा है कि इलिप्स के ऊपर जो इक्वेशन बनी वो सर्किल की इक्वेशन है और एज ए डायमीटर यूज करना है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू एज ए डायमीटर ऑफ सर्किल, क्योंकि सर्किल के डायमीटर के पॉइंट दिए हैं, तो उसकी इक्वेशन हो जाती है x-x1 x-x2 y-y1 y-y2 इक्वल्स टू जीरो। ये भी सर्किल की इक्वेशन है जो डायमीटर के लिए होती है। तो उसके लिए हमारे पास, चूंकि एक पॉइंट उसने जो सर्किल का इक्वेशन दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि जो सर्किल है, पैराबोला एक इलिप्स दिया था। अब इलिप्स के लिए देखें ये 0-0 पॉइंट है और जो सर्किल दिया है हमें वो कुछ इस तरीके से दिया कि वो एज ए डायमीटर यूज होता है ऐसे, क्योंकि जो हमें इलिप्स दिया था वो कुछ इस तरीके से इलिप्स दिया गया था। ये वो इलिप्स था जिसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। यानी इसके पॉइंट हो गए थे ए कोस थीटा, इसके पॉइंट हो गए थे ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। ये इसके पॉइंट थे, 1.00 है। उसने कहा जो सर्किल यहाँ से ड्रॉ हुआ है वो एज ए डायमीटर है। एज ए डायमीटर है तो दोनों पॉइंट हमें मिल गए हैं, 1.00 है, एक ए कोस थीटा और बी साइन थीटा है। यानी जो इक्वेशन है वो ये बनेगा कि x-0 × x-a cos थीटा प्लस y-0 × y-b sin थीटा और इक्वल्स टू जीरो। यानी x²-ax cos थीटा y²-by sin थीटा और इक्वल्स टू जीरो। अगर स्टूडेंट देखें इस इक्वेशन को तो ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है और पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने ये पढ़ा कि ऐसी इक्वेशन के लिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ स्टूडेंट, और ऐसी इक्वेशन के लिए मेरे पास बनेगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा, सिंप्लीफाई किया मैंने। जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेस्पेक्ट में जो थीटा में पैरामीटर दिया है डिफरेंशिएशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर करके या ऐड करके। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू
थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफिनेशन हो जाएगा ए एक्स एज इट इज़ साइन का डिफिनेशन कोस थीटा हो जाता है, बी वाई एज इट इज़ और साइन का डिफिनेशन कॉस थीटा हो जाता है, और चूंकि ये कांस्टेंट का काम कर रहा है तो जीरो इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगी। अब चूंकि मेरे पास दो इक्वेशन हैं तो मैं स्क्वायर करके ऐड कर सकता हूँ, तो स्क्वायर करके ऐड करने से फॉर्मूले बन जाएंगे, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मेथड है मेरे पास। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग टू एंड थ्री, इक्वेशन नंबर टू और थ्री को ऐड करेंगे, तो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस के ए एक्स साइन थीटा बी वाई कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टू ए एक्स बी वाई साइन थीटा कोस थीटा। पहला स्क्वायर मैंने ओपन किया है, दूसरे स्क्वायर को ओपन कर देता हूँ कि प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, टू ए एक्स बी वाई साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के वन बनाएंगे और ये दोनों मिलकर के भी वन बनाएंगे, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही मेरा एनवेलप होता है। यानी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर वन पैरामीटर लेकर के चार डिफरेंट मेथड्स आपके साथ यूज़ किए हैं, चारों में से जो भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन पे अप्लाई किया जा सकता है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हमारा जो कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व, उसमें दो पैरामीटर आ जाते हैं अल्फा और बीटा, तो तब हम क्या करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर यही है, इम्पोर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।